तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर पर। और फ्रेंड्स, आज हमने मंगाया एक स्पीकर अमेजन से, जो लगभग मुझे पड़ा था 1400 कुछ रुपए का, और इसकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कैसा कुछ है। नई कंपनी है, मैंने भी नाम ज़्यादा सुना नहीं, बट एक मल्होत्रा है, क्या वो है, हीरो, वो इसका रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने इसलिए इसको मंगा लिया। देखते हैं कैसा है। 25 वाट का स्पीकर है। डायनेमिक LED लाइट, स्टाइलिश डिज़ाइन, HD माइक, इसमें माइक भी है इनबिल्ट बात वगैरह करने के लिए, मल्टीपल कनेक्टिविटी है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और एक नया ऑप्शन आता है, पता नहीं इसमें है कि नहीं है, कि कई ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाते हैं एट ए टाइम पे, तो वो इसमें देखेंगे क्या कुछ है क्या नहीं है। तो इसकी MRP वगैरह मैं देख रहा था इस पर, कहाँ लिखी है, कुछ लिखा है कि नहीं है, बट इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा। ये फ्रेंड्स अमेजन का बिल है, ये पड़ा है हमें 1499 रुपये का। मैं आपको यहाँ दिख रहा हूँ, ये वाला 1499 का, अभी ये 1699 का हो रखा है, 1700 रुपये का। वारंटी वगैरह में काम आ जाता है। इसका मॉडल है और ये इसके ऑक्स वगैरह लगाने के, USB-C टाइप चार्जिंग है इसमें, और ये माइक्रोफोन, ये ऑन करने का पावर ऑन, और ये बटन आपके लाइट का है, ये लाइट का है, प्ले का है, प्लस माइनस वॉल्यूम का, मोड चेंज करने का। और इसके साथ देखते हैं क्या SSD आई है। ये इसकी आई है डाटा केबल सी टाइप चार्ज करने के लिए, और मे बी ये इसका वारंटी कार्ड, 1 ईयर की वारंटी है, स्कैन टू विन योर वारंटी, 1 साल की वारंटी है, बहुत है। और ये इसका मे बी यूज़र मैनुअल है, इसमें क्या कुछ कनेक्ट कर सकते हैं ये आपको दिखा रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। पावर ऑन ऑफ, साइड लाइट वगैरह, TVS फंक्शन, लॉन्ग प्रेस द बटन, ब्लूटूथ मोड, LED वगैरह। अब इसको हम ऑन करते हैं पहले, तो पीछे वाले बटन से। अब हम इसको M को दबाते हैं, FM में आ गया। हम इसको लॉन्ग प्रेस दबाते हैं, ब्लूटूथ के लिए था, लॉन्ग प्रेस से ब्लूटूथ का दिखा रहा था। और ये लाइट चेंज करने का, लाइट अगर सिंगल कलर रखना है, चेंज हो रही है, वो दोबारा दबाते हैं लाइट का। अच्छा है लाइट का। एक बार हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैं इसमें ब्लूटूथ, ये फ्रेंड्स आ रहा है यहाँ पे।
अगर ये नहीं आता तो फ्रेंड्स प्ले बटन जो है हमारा है यहाँ पर, इसको लॉन्ग प्रेस दबा के रखेंगे तो भी आपका शो करेगा। मैं आपको पहले एक बार फंक्शन बता देता हूँ इसके। ये जो हमारा बटन है एलईडी लाइट का है, ये चल जाएगी इसको दबाने से लाइट वाला। अगर इसको चेंज करना है, सिंगल सिंगल दबाते रहो तो इसके कलर चेंज होते रहेंगे, दोबारा दबाएंगे तो अलग चेंज हो जाएगा। ये इसमें कई सारे फंक्शन हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये शॉर्ट प्रेस करके ही बंद हो रहा है, अब चला गया, लॉन्ग प्रेस से नहीं हो रहा, लॉन्ग प्रेस से साइड वाले बंद हो रहे हैं। उसके बाद ये प्ले बटन है, प्ले बटन को फ्रेंड्स लॉन्ग प्रेस दबा के रखेंगे तो ब्लूटूथ में मोड में आ जाता है, और कॉल उठाने के लिए भी आपको एक बार दबाएंगे तो ये कॉल उठ जाएगी, काटनी है तो लॉन्ग प्रेस के लिए भी कट जाएगा अगर कॉल हो रखी है तो। ये प्लस वाला सिंगल प्रेस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट सॉन्ग होगा, अगर माइनस वाले को अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो बैक होगा, उसके बाद अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे प्लस वाले को तो वॉल्यूम अप डाउन होगी, और मोड वाले को करेंगे तो ये स्विच करेगा जो आपके ये है, आपने यूएसबी वगैरह जो लगा रखा है इसमें स्विच करेगा। तो अभी हम इसको ये वाला दबा लेते हैं प्ले बटन को, ये ब्लूटूथ मोड में आ गया है, साउंड करा है तो हम इसको फ्रेंड्स देख लेते हैं। हमारा ब्लूटूथ ये आ गया इसमें गो साउंड की करके, तो हम इसको पेयरिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया पेयर, तो हम इसको पेयर कर देंगे और ये कनेक्ट हो गया। अब फ्रेंड्स मैं नो कॉपीराइट कोई वीडियो चलाता हूँ, बिकॉज मैं गाना चलाऊँगा तो वो आ जाएगा। तो फिर नो कॉपीराइट ये आ गया है, मैं कोई म्यूज़िक चला देता हूँ नो कॉपीराइट का। और ये मेरा माइक है ग्रैंडो का, इसको मैं इसके पास रख देता हूँ जो आपको आवाज़ अच्छी सुनाई दे। ये फुल साउंड है इसका। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। वैसे मैं आपको ओवरऑल आपका इसका बताऊं तो मुझे इसका जो बेस है वो खास पसंद नहीं आया कुछ, मतलब जो फील नहीं है। मेरे पास एक पहले था ऑनलाइट का, वो 1500 रुपये का लिया था मैंने, उसका फिर भी अच्छा बेस था, लोकल था, बट उसके हिसाब से मुझे इसका बेस में मज़ा नहीं आया, जो इतना फील आता है थोड़ा बहुत बेस कम है। वैसे ओवरऑल ठीक है रुपये के हिसाब से, अब भी साउंड है बट लाउड इतना ज़्यादा नहीं है जो लिखा था इसमें इतने बड़े बड़े अक्षरों में बास का बॉस, तो वो चीज़ मुझे नहीं फील हुआ पर्सनली। तो मैं देखता हूँ, मैं तो इसको रिटर्न करने के उसमें हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो आपको कैसा लगा है देखने में लुक में, साउंड वाइज ही जाएगा आपको तो इतना समझ में नहीं आएगा, बट अगर नॉर्मल साउंड में चाहिए तो आपको ठीक है, बट बास ज़्यादा नहीं है इतने छोटे स्पीकर में उसके हिसाब से जितना मेरा पहले था। मेरी भी गलती होगी इसमें, जो दो लंबे वाले वो होते हैं प्ले करने के लिए, मतलब जो आपका बेस का बनाते हैं वो शायद इसमें है नहीं, मैंने इसका वो ढंग से देखा नहीं था रिव्यू, बट मैंने इसका नाम देख के रिव्यू भी इसके अच्छे थे, रिव्यू आपको साइड पे दिख रहे होंगे, ये इतने कुछ ना 4 पॉइंट के आसपास रिव्यू हैं, तो ठीक है ओवरऑल इतना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं कहूँगा। तो यही था फ्रेंड्स वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।